बताओ। ओके स्टार्ट करते हैं। ओके ओके विपुल सब सही है ना? देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम उसी में आ रही थी। और नीतू भी जुड़ जाए। विपुल क्या बताया? ओके गुड मॉर्निंग विपुल, बताइए सब सही है ना? ओके हाँ नीतू बताइए विपुल। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग का जो मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक हम लोग का चल रहा है डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतिशीलता के जो भी पक्ष हैं उनसे संबंधित विशेषताएं हैं, उसी को हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपसे बताया था कि इस संदर्भ में हमारे तीन ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हम लोग को यहाँ डिस्कस करना हुआ है। एक उसमें से विशेषता है जिसको हम लोग रोटेशनल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, और इसमें हमने ठीक इससे पहले वाले लेक्चर में रोटेशनल कैरेक्टर के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपके सामने वहाँ हमने रखा हुआ था। यहाँ हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनल कैरेक्टर जिसको कहा जाता है, यानी पृथ्वी की जो कक्षीय गति है उस कक्षीय गति के संदर्भ में हमें बात करना है। जब हम इस पूरे संदर्भ को यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि अर्थ जिस तरह से इंक्लाइंड है, यानी जिस तरह से ये झुकी हुई है, इसका जो एक्सियल ये जो टिल्टिंग है, ये एक्सियल टिल्टिंग एज इट इज बना हुआ है, इसमें हम इसको एक कंसीडर करते हुए चलेंगे कि पृथ्वी झुकी हुई है, और झुकी हुई पृथ्वी पूरे एक साइकिल कंप्लीट करती है सूर्य की, तो क्या विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। और यही हम लोग का मेन चैप्टर अभी का होगा, यानी मेन टॉपिक हम लोग का यहाँ होगा डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। में हम इसको टॉपिक बना दें और यहाँ हम लिख देते हैं इसको ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी की कक्षीय गति, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग को कक्षीय गति के संदर्भ में कुछ यहाँ एक स्केच लेते हैं, मॉडल बनाते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लें। ये अर्थ का ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट को थोड़ा सा सुंदर बना लिया जाए, इधर की तरफ थोड़ा सा और बेहतर कर दिया जाए। ये हो गया ऑर्बिटल शेप, पृथ्वी की कक्षीय गति बिल्कुल अंडे जैसे आप मानकर चलिए ये बना हुआ है। और सन की जो पोजीशन होती है, सन की पोजीशन इसके एक साइड में होती है। ये हमें लग रहा है कि स्क्रीन से बाहर तो नहीं चला जा रहा है ना? ओके तो सन की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन इसके एक साइड में होती है। यहाँ सेंटर से थोड़ा सा इधर की तरफ हमने बना दिया सन की पोजीशन, कुछ सेंटर जैसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर लिया जाए, और अब ये पोजीशन आ गई, थोड़ी सी यहाँ बना देते हैं। ओके ये पोजीशन हो गई सन की। अब कैमरे में आपको दिखेगा यहाँ पर सन की ये पोजीशन हो गई, थोड़ी सी साइड में हो गई। इसी पर हम लोग को ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब तक हम लोग जितना देख रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि पृथ्वी रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, और इस रोटेशन का जो बेसिक रीज़न है, फंडामेंटल रीज़न है, वो बेसिक रीज़न इसका ग्रेविटल जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटल एक्सीलरेशन है। लेकिन अभी का जो है वो नहीं, बल्कि पृथ्वी का जब इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हो रहा था, तो जैसे ही ग्रेविटल एक्सीलरेशन यानी पृथ्वी की त्वरण में वृद्धि हो रही थी, तो उसका प्रभाव पड़ रहा था कि पृथ्वी गतिशील होने लगी। ग्रेविटी ने इसको शेप देने का भी कार्य किया और इसी ग्रेविटी ने पृथ्वी को ये रोटेट करने का यानी इसमें घूर्णन गति भी उत्पन्न की। और ये केवल स्पेशल पृथ्वी के केस में नहीं हुआ, बल्कि जितनी भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी होती है, वो चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई हमारे सोलर सिस्टम के कोई प्लैनेट्स हो या कोई और हो, सभी के संदर्भ में यही फिजिक्स का नियम लागू होता है। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इस घूर्णन करने के दो प्रभाव प्रमुख रूप से पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते हैं। एक प्रभाव होता है कि जो ग्रेविटेशनल जो इम्पैक्ट है उसमें डिफरेंस पैदा होता है, और उस डिफरेंस में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटर पर मिनिमम होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स हम लोग बनाते हैं, अक्षांश वृत्त बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, तो अक्षांशीय सर्किल में अंतर आ जाता है। उसका कारण है कि पृथ्वी की आकृति इस रोटेशन के कारण बदल गई है और ये एलिप्सॉइडल जैसी हो गई है। तो उसी के कारण अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरियां बदल जाती हैं, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है और ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ये सब सारे फैक्ट्स आपने नोट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा अंदर, क्योंकि इसको अंडरलाइन करके आप रखिए, इसको बार बार आपको जानना होगा। ये दूसरा प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न हो गया। इसी के कारण यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैंने बात की थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, वो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। और ओवरऑल एक लास्ट में मैंने आपसे बात किया था कि पृथ्वी घूमती है, इसी घूमने के ही कारण यहाँ पर जिधर भी सूर्य की स्थिति होती है, जैसे यहाँ पर सन है, इस साइड में सन है, तो सन की लाइट अगर ये रोटेट न कर रही होती तो सूर्य की जो किरणें हैं वो इसके एक ही भाग में पड़ रही होती, लेकिन रोटेट करती है तो धीरे धीरे इसका प्रत्येक भाग सूर्य के सम्मुख आ जाता है और दिन और रात की स्थिति हो जाती है। यानी जो भाग सामने आएगा वहां दिन हो जाएगा और जो सन के अपोजिट रहेगा वो सन को फेस करने वाला डे हुआ, तो सन के अपोजिट जो हो गया वहां नाइट की स्थिति हो गई। तो ये डे एंड नाइट का जो कंसेप्ट आया था यहां से आया था। ओके, हमने अब यहाँ दूसरी बातें हम लोग को यहाँ करनी है, और दूसरी ये करनी है कि पृथ्वी जब ऑर्बिट करती है यानी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो पहली बात कि ये घूमती क्यों है, और फिर घूमती है तो उसका जो कैरेक्टर है घूमने का, स्पीड है, वो स्पीड कितना है, कैसा है, और तीसरी बात कि उसका प्रभाव क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पहले बात करने वाले हैं रीजन बिहाइंड द रिवोल्यूशन, यानी ये जो परिक्रमण है, इस परिक्रमण की का कारण क्या है, परिक्रमा का कारण रीजन क्या है। ओके, परिक्रमा का रीजन क्या है, पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे, और परिक्रमा के रीजन में ही इसके बाद हम लोग बाकी जो दो पॉइंट्स आपसे हमने डिस्कस किए उसको हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, हमने आपसे बात किया था कि यहाँ पर भी ग्रेविटी की बात आएगी, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे किया भी था, तो ग्रेविटी की बात आएगी। अब यहाँ कौन सी ग्रेविटी की बात आएगी परिक्रमा करने में? सूर्य के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है हमारे सोलर सिस्टम में, और हमारी पृथ्वी की तुलना में लगभग ये 28 गुना ज़्यादा इसकी ग्रेविटी है। बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। जब ऑर्बिट करती है पृथ्वी, तो ऑर्बिट क्यों करने लगती है, तो उसका बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन है कि इसकी अपनी पर्सनल ग्रेविटी, इसकी अपनी पर्सनल ग्रेविटी यानी सूर्य का अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो बहुत ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है और पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। एक तो ये रीजन हो गया, और दूसरा हो गया कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पास भी खुद का अपना द्रव्यमान है, और इसी द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की अपनी अपना गुरुत्वाकर्षण भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, जिसको हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का एक त्वरण उत्पन्न करती है पृथ्वी। तो उतना बल इसके पास है, यानी प्रति सेकेंड 9.8 मीटर की दूरी तय कर सकता है अगर इसको हम लोग गिराएं किसी पदार्थ को। तो ये यहाँ पर उत्पन्न होगा और जैसे जैसे सेकेंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 9.81 ये जो है डिस्टेंस है, इसमें उतना सेकेंड का मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो एक्सिलरेट करती जाएगी, गति उसकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। तो इसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि ये अपने तरफ, अपने जो मीन ग्रेविटेशनल सेंटर है इधर की तरफ, ये सारे पदार्थों को जिसके पास द्रव्यमान होता है उसको सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। सूर्य भी तो यही काम करता है, अपनी तरफ आकर्षण करता है। और इस प्रभाव में यहाँ पर एक दोनों के इस गुरुत्वाकर्षण के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है, और वो प्रभाव ये होता है कि पृथ्वी इसको खींचना चाहती है, सूर्य इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। रिजल्ट क्या होता है कि दोनों अपने को, यानी एक दूसरे को खींच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूर्य इसको खींच रहा है तो पृथ्वी इसमें अपना प्रभाव कोई नहीं लगा रही, पृथ्वी भी बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ग्रेविटी किसका है, प्रभावी गुरुत्व किसका है, ज्यादा गुरुत्व किसका है, सूर्य का। और यही दोनों के खींचतान में, आप इसको व्यवहारिक ऐसे समझिए, दोनों के इसी खींचतान में यहाँ पर एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और प्रभाव क्या उत्पन्न हो जाता है कि ये अपने इस खिंचाव के, इस आकर्षण के प्रभाव से बचने के लिए यहाँ पर एक बल का यहाँ पर आविर्भाव होता है, और उस बल को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही बल प्रभावी होकर यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट का कारण बनता है, रीजन बनता है। यानी आप समझिए, यहाँ पर इस दोनों के खिंचाव के कारण यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, यानी अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अब कैसा अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, ध्यान से समझिए। ये इसको आकर्षित करने की कोशिश करता है और पृथ्वी इससे बचने की कोशिश करती है, और इसी के कारण यहां पर ये चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। समझ रहे ना बात को। अब केंद्रीय बल क्या होता है, आप एक पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर में आप धागा बांध दीजिए, और धागे को अपने सिरे से, उसके एक सिरे को आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए। आप देखेंगे कि भाई वो पत्थर है, जब आप पत्थर को घुमाते हैं तो पत्थर को घुमाने से होता क्या है, पत्थर बाहर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है बाहर, तो जो बल कार्यरत है वो बल, कौन सा बल है, वही बल है अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही हो गया, वो बाहर जाना चाहता है। ठीक है, आप अपने हाथ में धागे को पकड़े हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के ग्रेविटेशनल पुल के कारण उत्पन्न हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, जितना ज्यादा ये दूरी कम होगी उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी उसका प्रभाव बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। जितनी दूरी कम होगी, अभी सूर्य यहाँ हो और पृथ्वी यहाँ हो, तो ये जो दूरी हो जाए इस पर जितना प्रभाव उत्पन्न होगा, अगर ये पृथ्वी हट के यहाँ आ जाए तो ये प्रभाव क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, आप जानते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। तो ये m1 into m2 है ना, डिवाइडेड बाई r² होता है। तो ये आप जानते हैं न्यूटन का जो ये लॉ है। तो इसके अनुसार हुआ क्या, ये जितना नजदीक आएगा, तो नजदीक आने से क्या हो गया, इसकी प्रभावशीलता एक दूसरे पर बढ़ जाएगी, बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, m1 मान लीजिए कि ये है क्या, m1 है, ये है क्या, m2 है। तो ये डिस्टेंस कम हुआ तो r² यहाँ होगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो r², अब दूसरा वाला ये जो मेजरमेंट है ये हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू, कभी भी इस लाइन के ऊपर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू के नीचे वाली कोई भी लाइन बढ़ेगी सॉरी, तो टोटल जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो कम हो जाता है। ध्यान से समझिए इस बात को, नीचे इस लाइन के नीचे कुछ भी, अगर आप कोई भी संख्या का मान बढ़ेगा तो कुल प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि ये अगर यहाँ की दूरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसका मान कम हो जाएगा, और कम हो जाएगी तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं और यही मैं बता रहा हूं कि इनके अपनी ग्रेविटी, इनकी अपनी ग्रेविटी, या इनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर इनके और इनके मध्य की जो दूरी बनी हुई है, उस दूरी के प्रभाव में यहाँ पर इनका प्रभाव इनके ऊपर और इनका प्रभाव इनके ऊपर आ गया। अब ये होगा क्या कि ऐसा जब होने लगा तो अगर ये ग्रेविटी विहीन होती तब तो आकर्षित होकर चली आती, लेकिन इसके पास अपनी ग्रेविटी है तो उसी प्रभाव में ही उत्पन्न होता है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। और वही मैं आपके एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि पत्थर जब आप घुमाएंगे तो पत्थर बाहर जाना चाहेगा और आपका हाथ उसे अपने तरफ खींचना चाहेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि उस धागे से, उस धागे पर एक तनाव उत्पन्न होगा, यानी पत्थर धागे के ऊपर अपना बल लगाएगा अपनी तरफ, और आप अपने हाथ से अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। और इस प्रभाव में क्या होता है कि वो ये जो वहां तो आप खुद घुमाते हैं, यहाँ क्या होगा, स्वतः ये घूमना शुरू कर देगी और किसी भी ऐसे पदार्थ के ऊपर हो जाएगा जहाँ ये जो जिस मटेरियल का अपना कोई मास होगा, अपना कोई द्रव्यमान होगा, किसी के साथ भी ये उत्पन्न हो सकता है। तो आपको ये कारण मिला, रीजन मिला जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, कि पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, तो परिक्रमा करने का बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण है सूर्य और पृथ्वी का ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल और प्लस सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि अगर ये पृथ्वी सूर्य है तो बगल में ही है। कौन सा है यहाँ पर? याद कीजिए, प्लेनेट। बगल में ग्रह है आपका मरकरी, जिसको आप बुध के रूप में जानते हैं। और बुध तो पृथ्वी से बहुत नजदीक हो गया ना, बुध तो पृथ्वी से बहुत नजदीक हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से ये दोनों के बीच जो दूरी होगी, जितनी नजदीक होगी उतना, उसको बचने के लिए अपना, बचने के लिए क्या, वो कोई जीव तो है नहीं कि जो समझ के ऐसा कर रहा है, बल्कि ये फिजिक्स का लॉ है कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मरकरी है, ये बुध है, और बुध है तो इसको क्या करना चाहिए, बहुत नजदीक है तो M1, वही बात M1 M2 डिवाइडेड बाई ये जो हो गया R², यानी जो R² होगा, दूरी का जो वर्ग होगा, वो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो गया। R² यानी बहुत कम दूरी हो गई, और बहुत कम दूरी हो गई तो यहाँ पर प्रभाव क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और बहुत ज्यादा प्रभाव होगा तो बुध को क्या करना चाहिए, बुध को बहुत तेज घूमना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये इसका जो घूमना होगा ये बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। तो आप देखते भी हैं कि बुध ये बहुत तेजी के साथ घूमना शुरू कर देता है, और एक साइकिल आपकी तो कंप्लीट होती है 365 दिन में लगभग, लेकिन बुध कितने दिन में पूरा कर लेता है, मात्र कितने दिन में, 88 डेज में, 88 दिन में पूरा कर लेता है। ये घूम जाता है 88 दिन में, घूम जाता है। तो उसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि बुध यहाँ है। अगर इसी बुध को दूर कर दीजिए, ये जो संख्या है 88 दिन में घूमने वाली, ये जो समय लगने वाला है, ये समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी पृथ्वी के बाद इधर की तरफ जो भी होंगे, पृथ्वी के बाद आपको पता है कि पृथ्वी के बाद इधर मंगल होता है, मंगल के बाद उधर बृहस्पति होता है, बृहस्पति के बाद उधर शनि होगा। तो ये सब जब ऑर्बिट करेंगे तो ऑर्बिटल जो इनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी बिल्कुल यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रूफ कर सकते हैं, यहीं पर आपके बगल में एक और भी है पृथ्वी के पहले, और वो है वीनस यानी शुक्र। और शुक्र यहाँ पर पृथ्वी से नजदीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच का ये जो R² हुआ, बुध से बड़ा हुआ, पृथ्वी से छोटा हुआ। तो होना क्या चाहिए, पृथ्वी से ज्यादा इसके स्पीड होनी चाहिए, होना चाहिए ना, पृथ्वी से ज्यादा स्पीड होना चाहिए। और ज्यादा स्पीड है भी, यहाँ पर मात्र 225 दिन में, 225 डेज में शुक्र क्या कर लेता है, ये पूरा एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है, यानी एक चक्र लगा लेता है। और यही काम पृथ्वी को करने में कितना समय लग जाता है, तो लगभग यहाँ पर 365 दिन लगता है। तो आप देखिए जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही है, इनके मध्य का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ही यहाँ पर होगा जो ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पर बनेगी, कक्षीय गति यहाँ पर बनेगी। अब बात समझ में आ गई ना, मैंने प्रूफ भी किया और इसके आगे भी प्रूफ कर सकते हैं जितना, यानी अब आगे जो भी यहाँ कोई ग्रह आएगा उसका जो समय होगा, उसका समय 365 दिन से ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बृहस्पति हो यानी जुपिटर हो, यानी मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, यहाँ तक कि प्लूटो को भी कर लेंगे। तो सब जितने भी ऑर्बिट करने वाले होंगे इसका सूर्य का, वो सब के साथ यही स्थिति होती है। तो हम लोग को जो काम वाली बात यहाँ पर जो जाननी है, जो मिला वो क्या मिला कि इसका कारण क्या है वो हम लोग पा गए। बेसिक रीजन बिहाइंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये हमें यहाँ मिल गया। और हम लोग को इसमें क्या मिला कि किस कारण से ये घूमता है, तो दोनों की जो पर्सनल गुरुत्वाकर्षण बल है और दोनों के मध्य की जो दूरी है, इसी के कारण यहां पर ये घूमता है। यानी प्रारंभिक कारण क्या मिला, दोनों का पर्सनल गुरुत्वाकर्षण बल, यानी सूर्य, अब यहां हम क्या लिखेंगे, परिक्रमा का कारण सूर्य और पृथ्वी का, सूर्य और पृथ्वी का, इसको नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का गुरुत्व कारण, हाँ क्या है, हाईएस्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं विपुल, हाईएस्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट होगा। ये जितना नियरर डिस्टेंस होगा, कम डिस्टेंस होगा, तो उतनी ऑर्बिटल स्पीड इनकी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो अब बात यहाँ पर आती है कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, है ना। मैं यहाँ पर एक और बात आपसे करने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लीजिए। और एग्जाम्पल ये लीजिए कि आप कोई एक प्लेस, एक पॉइंट चुन लीजिए, आप कहीं फील्ड में हैं और फील्ड में कोई एक स्टैंप लगा दीजिए, कहीं भी एक स्टैंप लगा दीजिए और आप तय कीजिए कि आप बाइक से, ओके, बाइक से उसके चारों तरफ आपको घूमना है। ध्यान से समझिएगा, बाइक के चारों तरफ आपको घूमना है, जो आपने एक पॉइंट फिक्स कर रखा है, ओके, चारों तरफ घूमना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दे रहे हैं कि ये आपने पॉइंट लगा लिया और आपको करना क्या है, चारों तरफ इसके आपको बाइक से घूमना है। बाइक इसलिए मैंने बताया क्योंकि बाइक के स्पीड आप फिक्स कर सकते हैं, है ना, ओके। तो ये घूमना है। अब हमें बताइए, आपको घूमना है, आप इस ट्रैक पर कब रहेंगे, आप कमेंट करके बताइए विपुल, इस ट्रैक पर कब रहेंगे। अगर हम आपको स्पीड देते हैं कि चलिए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के स्पीड से आपको इस पर घूमना है, तो 10 किलोमीटर के स्पीड में क्या होगा, आप आराम से घूम सकते हैं ना उस पर। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 10 नहीं, आप 60 किलोमीटर के स्पीड बढ़ा दीजिए और उसी ट्रैक पर आपको घूमना है, अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, घूमेंगे, हैं? क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ, जब तेज घूमेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, बताइए विपुल, आप लोग बताइए, नीतू क्या स्पीड हो सकता है, हाँ, सूची बताइए, गीता क्या होगा, आशीष, जितनी स्पीड बढ़ेगी दिक्कत आएगी ना, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो आपका ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक से बार बार आप बाहर चले जाएंगे, है ना। कोई जवाब उधर से आया कि नहीं, ठीक है, ये बाहर चले जाएंगे। यानी जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने 60 की जगह पे 80 कर लिया, तब क्या होगा, बहुत कम समय तक आप, क्योंकि आप जैसे मोड़ेंगे आप बार बार इस ट्रैक से, जो ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक से बार बार आप बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न का उत्तर तो हम लोग को यहाँ मिल सकता है ना, कि अगर मरकरी की स्पीड बहुत ज्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में, बुध की ऑर्बिटल स्पीड बहुत ज्यादा है सोलर सिस्टम में, तो क्या बुध का जो ट्रैक होगा वो बहुत ज्यादा, बुध का जो ट्रैक होगा, ये बुध का ट्रैक, ये क्या बहुत ज्यादा ऐसा ही होगा क्या कि सूर्य से बहुत बाहर चला जाएगा और फिर इधर की तरफ आए, क्यों होगा कि नहीं? ये सब लोग बताइए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही है। यानी बुद्ध का जो ट्रैक है ना, ऑर्बिटल ट्रैक है, वो इतना ज्यादा इलिप्टिकल है, इतना ज्यादा इलिप्टिकल है कि वो बार बार कभी, हाँ, कभी दूर जाता है और कभी, यानी उसका, उसके ऑर्बिट में जो एक ये जो लंबाई और चौड़ाई हम देखेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैराबोला टाइप का हो जाएगा। वो इतना ज्यादा इलिप्टिकल होगा कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। इसका मतलब कि हम लोग एकदम बिल्कुल रीजन, कारण के साथ हम लोग चल रहे हैं और हम लोग को ये पता होते जा रहा कि ये किसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, ये तो तय हो गया ना। तो क्या अगर हमारी स्पीड, ठीक है, बुद्ध जैसे नहीं है, हमारी बुद्ध जैसे नहीं है, कुछ दूर होने के कारण हमारी बुद्ध से कम स्पीड है, ये भी बात सही हो गई। लेकिन अब बात आती है कि स्पीड है कितनी? बुद्ध से कम स्पीड है, ये बात सही हो गया। लेकिन अब स्पीड कितनी है? तो कितनी होगी हमारी स्पीड? हमें ये ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, तो कितनी है स्पीड होगी? क्यों? ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, अब ध्यान में रखिए, ये ऑर्बिटल स्पीड है, ये एक एवरेज बनेगा, है ना। कारण हमें मालूम हो गया ना, कारण मालूम हो गया। कारण हम लोगों ने लिखा कि नहीं? यहां पर सूर्य और पृथ्वी का, सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये रीजन हुआ। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया विपुल, है ओके, लेसर देन मरकरी। आप बताते रहिए जो जवाब है, क्योंकि पता है नहीं। और आगे अब यहां भी आप क्वेश्चन बताते चलिएगा। ये तो हो गया ना, रीजन बिहाइंड द रिवोल्यूशन, कारण मालूम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड अर्थ। अब हमें दूसरी बात करनी है ना, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड कितनी? औसत। ये औसत हम क्यों लगाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। कक्षीय गति क्यों चलेगी, मालूम हो गया कितनी चलती है। अब हमें यह देखना है, और ये हो जाता है 29.72 किलोमीटर पर सेकंड। आप अनुमान नहीं लगा सकते किस स्पीड से चल रही है। 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हमारी यहां पर गति बन जाती है। ओके, बहुत ज्यादा है। पृथ्वी के गुरुत्वीय कक्षा से बाहर जाने के लिए हमें कितना स्पीड चाहिए होता है, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं? कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और उससे ये क्या है, हाँ, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू, है ना, रिगार्डिंग द ऑर्बिटल स्पीड। अब उसी में रहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कई फैक्ट उसमें रहेंगे, लेकिन उसमें एक फैक्ट ये भी रहेगा कि पृथ्वी की कक्षीय गति इसी की ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है। यानी कक्षीय गति से, सॉरी क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। यानी पृथ्वी की कक्षीय गति इसके पलायन वेग से, उसको पलायन वेग बोलते हैं ना, है ना, एस्केप वेलोसिटी को पलायन वेग बोलते हैं, तो पलायन वेग से ज्यादा है। सही है, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो दोनों हमें जानने रहा होता है। तो इतनी इसकी स्पीड यहां पर बन जाती है, 29.72 किलोमीटर पर सेकंड। इसको नोट करते चलिएगा सारे फिगर्स, इतनी स्पीड बन जाती है। अब हमें दूसरी बात करनी है, ध्यान से समझना है कि जब ये चलती है, रोटेट करती है, तो उसके, सॉरी, रिवॉल्व करती है, तो इस कक्षीय गति का ये जो होती है, तो उसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से सोच के बताना है आपको कि स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने देखा कि ऐसा पूरा घूमने में, इस स्पीड से घूमने में जो अभी हम मिटाए लगभग 365 दिन समय लगेगा, लगभग, क्योंकि एक्यूरेट 365 नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है, उस पर चर्चा भी होगी भी। लेकिन अभी हम लोग स्पीड पर ही बात करें, स्पीड पर बात करें। जो इसकी कक्षा बन रही है, ये कक्षा कैसी बन जा रही है, ऑर्बिट कैसा बन जा रहा है इनका, एलिप्टिकल बन जा रहा है। और एलिप्टिकल का मतलब यह हुआ कि अंडाकार बन गया। अब अंडाकार का मतलब यह हुआ कि सूर्य से एक बार इसकी स्थिति क्या हो सकती है, नजदीक हो सकती है, और एक बार स्थिति क्या हो गई, दूर हो गई। एक ये बात हो गई। अगर नजदीक हो गई या दूर हो गई, ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये सर्वाधिक दूर हो जाती है, कब ये सबसे अधिक दूर हो जाती है और कब ये सबसे अधिक नजदीक हो जाती है। एक ये भी प्रश्न बनता है पहला कि ये दूर हो जाएगी और नजदीक हो जाएगी। अब इसी में पूछेगा कि ये सबसे अधिक दूर और सबसे अधिक नजदीक कब हो जाती है। हम एक लाइन खींच दे रहे हैं यहां पर, सबसे अधिक दूर और नजदीक हो जाने की ये स्थिति एक लाइन बना दिया। अब मान लीजिए कि इसी लाइन पर सबसे अधिक नजदीक हो गई और ये सबसे अधिक दूर हो गई। जब हम देखते हैं तो वर्ष में ये स्थिति आ जाती है सबसे अधिक दूर वाली 4 जुलाई को। पृथ्वी क्या हो जाती है, सबसे अधिक दूर हो जाएगी। और यहां पर जो मिनिमम डिस्टेंस होगा तो वो कब हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3rd यानी 3 जनवरी को। ये बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा ना, यहाँ पे 3 जनवरी को ये सबसे नजदीक हो गई। तो सबसे दूर और सबसे नजदीक वाली एक इंफॉर्मेटिव, ये सूचनात्मक ये स्थिति आ गई। ये बात ये क्लियर हो गई, सब लोग समझ आए ना इस बात को। अब बात आती है कि ये जब सबसे दूर होती है, सबसे नजदीक होती है, तो यहां पर अगली बात आती है कि इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं और इस डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से होता है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं और इसका मेजरमेंट कहां से होता है। हम सबसे दूर वाली स्थिति को ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है अफेलियन, है ना। इसको बोलते हैं अपसौर, अपसौर, अफेलियन। और ये दूरी कितनी हो जाती है, तो 100 कितना हो जाएगा, लगभग 152 मिलियन, यानी मिलियन का मतलब इस पर कितने शून्य लगेंगे, 6 शून्य लगेंगे। किलोमीटर ये लगभग 152 और पॉइंट यहां पर 5 मिलियन, 152.5 मिलियन ये दूरी हो जाती है। ओके, लगभग 1.52 किलोमीटर, तो लगभग 1.525 यही होगा ना। खैर, मिलियन में ध्यान रखिए, 152.5 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अफेलियन। कब होता है, तो 4 जुलाई को। दूसरी स्थिति यहां आ जाइए, ये क्या कहलाता है, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपसौर। नोट करते चलिएगा, उपसौर। दूरी इस समय कितनी हो जाती है, 147, ठीक है ना, 0.5, यानी 0.5 ना लगाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, मिलियन किलोमीटर। 1475 और इसके बाद से 5 शून्य लगा दीजिए, तो इतना 147.5 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाता है। ओके, कौन, हाँ बिल्कुल, उपसौर हो गया। ये उपसौर सही आपने बताया और ये अपसौर बताया, बिल्कुल सही बता रही है नीतू। जहां भी कंफ्यूजन होगा, विपुल, नीतू और आप सभी लोग, आशीष और संजोग ना, हाँ आशीष, संजोग, शिवम और ये शुभम, शुभम, आदित्य, गीता, जितने लोग हैं और सूची, सब लोग आप बताते चलिएगा जहां जहां। और बाकी लोग जितने भी और भी इसमें जो आप इसमें जुड़े हैं, और आप लोग बताइएगा जहां आपको प्रॉब्लम हुई। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि वहां चल भी रहा है, तो नीचे कर करके आप बताते चलिएगा, ठीक है ना। सभी लोग बताइएगा तो उसे लगेगा कि हम लोग कितना सीख रहे हैं, सीखने की पूरी प्रक्रिया है कितनी इफेक्टिव हो रही है, इससे पता चल जाता है। तो ये एक दूरी हो गई, ये तो एक सूचना हो गई। दूरियों में अंतर का कारण पूछा जाएगा, डिफरेंस का रीजन, द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन अ ईयर क्या होगा। और वहां ऑप्शन आपके ABCD दिया रहता है, तो क्या बताएंगे, उसमें एक ऑप्शन जरूर होगा, एक ऑप्शन जरूर होगा, विकल्प होगा कि सन एंड अर्थ के बीच का ये जो ये डिस्टेंस, ये कारण, ये सही होगा कि नहीं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी में अंतर, ये और कारण भी वहां पर दे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी में अंतर, यही कारण होगा क्या, तो रीजन क्या होगा। दूसरा विकल्प रहेगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो गुरुत्वीय प्रभाव में अंतर, गुरुत्वीय प्रभाव में अंतर, बात समझ रहे हैं ना, यानी सूर्य और पृथ्वी के अपने अपने ग्रेविटेशनल वैल्यू में डिफरेंस है, ये होगा कि नहीं, ये क्यों नहीं होगा। हाँ, स्पीड, इनके दूरी में अंतर, ये जो दूरी बना हुआ है इसके दूरी में अंतर का कारण पूछा जाए, क्योंकि दूरी ये नजदीक हो जा रहा है, दूर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि शेप एलिप्टिकल हो जा रहा है। अब शेप एलिप्टिकल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, यही तो रीजन है ना, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का अपना अपना इंडिविजुअल गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या ये प्रभाव उत्पन्न होता। और उस इंडिविजुअल गुरुत्वाकर्षण बल में भी, उसमें भी पृथ्वी अगर कम प्रभावी बल वाली, इससे 28 गुना कम प्रभावी बल वाली ना होती, मान लीजिए सूर्य की जगह पर पृथ्वी ही इतनी बड़ी होती, पृथ्वी बहुत बड़ी होती है ना, तब क्या होता, सूर्य भी घूमता, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता। ये बिग बॉस का चक्कर क्यों लगा रही है, क्योंकि ये बिग बॉस हैं, 28 गुना ज्यादा पावर लेके बैठे हैं, ज्यादा ग्रेविटी लेके बैठे हैं, इसलिए ये घूम रही है। यानी अगर इसका ये जो दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है इतना ना होता, ये छोटी ना होती, कम गुरुत्व वाली ना होती, तब स्थिति कुछ और होती। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है कि नहीं, अर्थ की ऑर्बिट का कारण इसका ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल डिफरेंस है, क्योंकि ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण ही ये ऑर्बिट करती है। अब बात समझ में आ गई ना, क्यों। एक और बात देख लीजिए, ग्रेविटेशनल डिफरेंस अगर पृथ्वी की आकृति इससे कम होती, सॉरी इसका द्रव्यमान इससे बहुत कम होता, बुध के बराबर इसका द्रव्यमान होता, तब क्या होता, यस, और तेजी के साथ ये घूमता, और तेजी के साथ, और कौन ज्यादा घूमता, ये नहीं घूमता, यही घूमती ना, और जितनी स्पीड बढ़ती फिर से क्या होता यहां पर, ये, तब क्या होता है? कम, हाँ, नहीं, इसकी स्पीड, ये जो दूरी तब क्या होती, इससे जितनी है इससे कम होती, ज्यादा होती, क्या होता, अपसौर की स्थिति क्या होती, और ज्यादा हो जाता, अपसौर की स्थिति और ज्यादा हो जाता, अपसौर की स्थिति, और अपसौर के साथ साथ ये, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना। जब ये सब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काहे जो यूरेनस की बाउंड्री लाइन है ना, सॉरी ये नेपच्यून की बाउंड्री लाइन है, नेपच्यून की बाउंड्री लाइन, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो लास्ट में है ना हमारे सौरमंडल में। तो आपने देखा कि सौरमंडल में हमारे सोलर सिस्टम में आपने देखा होगा, सोलर सिस्टम में सूर्य है। जब हम सौरमंडल की बात करते हैं, सौरमंडल में सूर्य है, सूर्य के बाद मरकरी है यानी बुध है, बुध के बाद, बोलते जाइए, बुध के बाद शुक्र है यानी वीनस है, वीनस के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मार्स यानी मंगल है, मंगल के बाद जुपिटर यानी बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद सैटर्न है, शनि, शनि के बाद नहीं, यूरेनस, अरुण है, यूरेनस, अरुण, और यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण है, और वरुण के बाद, हाँ आप उसको प्लेनेट ना मानिए, लेकिन क्या वो सोलर सिस्टम में है कि नहीं, आप ऐसा तो नहीं कर सकते नहीं नहीं है ही नहीं। आप यहाँ संविधान में कुछ भी बना के उसको बाहर कर दीजिए, अंदर कर लीजिए, जो करना करिए, वो तो रहेगा ना अपनी जगह पे। ओके, तो वहां प्लूटो है, और प्लूटो को बिरादरी से बाहर क्यों किया गया, उसका रीजन क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, किस वजह से हम उसको बाहर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं ये हमारे अनुशासन को तोड़ता है। अनुशासन, किसके अनुशासन को तोड़ता है? इसको अपने ऑर्बिट में घूमना चाहिए, लेकिन इसकी ऑर्बिट ऐसी है कि ये जाके, ध्यान रखिए लास्ट वाला जो है ना, प्लूटो से ठीक पहले वाला, प्लूटो से ठीक पहले वाला जो ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून, तो नेपच्यून के ऑर्बिट को क्या कर दे रहा है, ये क्रॉस करके अंदर चला जा रहा है। अब आप जरा सोच के देखिए कि ऐसा क्यों कर पा रहा है वो, या ऐसा क्यों हो जा रहा है उससे। तो क्या ये रीजन नहीं है कि प्लूटो हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम को देखेंगे, अब तो हमने 8 ही ग्रह कंसीडर किए हैं ना, 8 ही कंसीडर किए हैं तो बुध के बाद थोड़ा ही सा बड़ा तो है वो, उसकी साइज क्या है, बहुत ही छोटी है, और बहुत छोटी होने के कारण सूर्य और उसके बीच जो संबंध बनता है उसकी स्पीड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, और जब वो घूमेगा तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, यानी वो जो बाहर की तरफ जाएगा वो ज्यादा जाएगा ना, और फिर वो बहुत नजदीक भी आएगा, और जब बहुत नजदीक आएगा तो किसी ना किसी ऑर्बिट को क्रॉस तो करेगा ही। तो ये कारण बनता है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमने आपसे पूछा, इस बात को समझे रहिए कि यहाँ पर जब ये ऑर्बिट करती है पृथ्वी, तो ऑर्बिट करने में इसका जो ऑर्बिटल शेप बन रहा है वो किससे बन रहा है, तो इन दोनों के मध्य के गुरुत्वाकर्षण से तो बन ही रहा है, लेकिन इनके पर्सनल ग्रेविटेशनल डिफरेंस से, इनके व्यक्तिगत जितना गुरुत्वाकर्षण है उनके बीच में अंतर कितना है उससे भी इसका शेप बन रहा है। अगर ये पृथ्वी का द्रव्यमान और कम होता तो ये और ज्यादा वहां जाके घूम के आती। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये और ज्यादा दूर से घूम के आती। ओके, अगर हमारी पृथ्वी हमारी वर्तमान समय से बहुत बड़ी होती, ज्यादा द्रव्यमान वाली होती, तब और कम ही यहाँ पर अपसौर की स्थिति आती। अब बात समझ में आ गई, यानी ये चीजें तय किससे हो रही हैं? बड़ा छोटा होने से तय हो रहा है। बड़ा छोटा होने से क्या हो रहा है? द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान का प्रभाव किस पर पड़ता है? मास का इंपैक्ट ग्रेविटी पर पड़ता है, और ग्रेविटी अगर इसकी ज्यादा हो जाएगी तो डिफरेंस कम हो जाएगा सूर्य से, और सूर्य से डिफरेंस कम होगा तो ये जो है जितना ज्यादा ये बाहर की तरफ जा रही है उतना ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये जानने के लिए कि आप क्या आप ये जानते हैं कि नहीं कि जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य या किसी भी ग्रहों के मध्य जो उनका ऑर्बिटल शेप है, कक्षा की जो आकृति है, उस आकृति का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, ये जानते हैं कि नहीं? ये जानने के लिए ही ये काम, ये प्रश्न पूछा जाता है। और क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी, यानी सूर्य और पृथ्वी समेत किसी भी ग्रह और सूर्य के मध्य की कक्षा का निर्धारण, ऑर्बिटल शेप का, उसकी कक्षा की आकृति का निर्धारण होता है ना, होता है। और ए बी सी डी वहां दिया रहेगा, विकल्प वहां दिए रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर सीधे रहेगा कि एक रहेगा कि सूर्य और संबंधित ग्रह, यानी जैसे पृथ्वी है तो इनके मध्य गुरुत्वीय प्रभाव के द्वारा, दूसरा इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण में डिफरेंस के द्वारा। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। ए सर बुला रहे हैं, दोनों के मध्य के डिफरेंस के द्वारा, बात समझ में आ रही है। तो प्रभाव के द्वारा और डिफरेंस के द्वारा, ये दो चीजें आप समझ गए। ये दोनों कारण सही होंगे कि नहीं? सही होंगे। यानी 3 स्टेटमेंट दे दिया जाए और तीनों में कहा जाए कि कौन से सही होंगे, एबीसीडी बना दिया जाए कि 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, ऐसे कर करके ऑप्शन बना दिया जाए तो आप चुन लेंगे ना। हम आपसे आपको क्वेश्चन देंगे भी और उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। ओके, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ जान लिया। अब यहाँ पर हम आपसे अभी कितना है ओके अच्छा अच्छा बस तो बस यही करते हैं। तो देखिए ये क्लियर हो गया ना, ये इतनी बातें आपने समझ लिया। तो यहां से अभी हम लोगों ने जितना सीखा उसको समझे रहिए बात को। हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो पूरा रीजन है वो कारण क्या है, और इसमें जान लिया हम लोगों ने कि ये स्थिति बन गई। और इसमें हम लोगों ने जो जाना यहाँ पर अपसर्ग और उपसर्ग की स्थिति कब बनेगी, तो वो हमने 3 जनवरी और 4 जुलाई को बनेगी, ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब इसके आगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, तो अभी चूंकि समय का अभाव है तो हम अपने लेक्चर को यहीं रोकेंगे और यहीं से हम लोग कंटिन्यू होंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू होंगे। तो आज के अभी के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल उसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ। और अभी अगला लेक्चर जो हम लोग का साइंस एंड टेक का चल रहा है तो स्टार्ट होने वाला है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद से फिर से इसी को हम लोग लेकर चलेंगे। और तब तक आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो आगे की है होने वाली है, तो वो सब पूरी इसके आगे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन पे अपने को रेडी करके रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं उसी रूप में। ओके, थैंक यू।